क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों की व्यवस्था थी इस देश में। तो अंग्रेजों का शासन और अंग्रेजों की व्यवस्था के कारण देश के लोग मजबूर थे कि सरकार अंग्रेजों की है, तो अंग्रेजों की सरकार है तो वो जो फैसला करेगी वो मानना पड़ेगा देश के लोगों को। तो अंग्रेजों की सरकार ने यह फैसला कर लिया था कि जॉर्ज पंचम का हिंदुस्तान में स्वागत होना चाहिए। तो मजबूरी थी देश के लोगों की, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो वो मजबूरी मुझे समझ में आती है कि 1911 के साल में चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए जॉर्ज पंचम का हिंदुस्तान में आना एक बड़ी दुर्घटना थी। और तिलक साहब के शब्दों में कि यह दुर्दिन न देखना पड़ता अगर हम आजाद होते, ये बात एक बाजू में थोड़ी देर को रख दें। फिर हम कल्पना करें कि अभी ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान में आई तो क्या सिर पीटें अपना हम? क्योंकि अभी तो यह बात समझ में नहीं आती। हम तो 1911 में गुलाम थे, हम तो मजबूर थे। तो क्योंकि 1911 में हम गुलाम थे, मजबूर थे, इसलिए जॉर्ज पंचम का स्वागत करना हमारी मजबूरी थी। अब हम आजाद हैं, रानी एलिजाबेथ का स्वागत करने की कौन सी मजबूरी है हमारी? कौन सी मजबूरी है, ये समझ में नहीं आता मुझको।